So, hello students, welcome to the Pharma Knowledge channel. Today's lecture we are going to discuss about third example of cephalosporin. Okay, last lecture में हमने cephalosporin का example देखा है. So, cephalosporin is a very important antibiotic for the exam point of view. Same as the penicillin. Okay, जो भी antibiotic chapter है degree plus diploma में. Okay, so उसमें important drug है penicillin है, cephalosporin है. So उसी का example है cephalothin. Okay, exam में 4 marks के लिए question होता है आपको, give the short note on cephalothin and structure of cephalothin. Okay, cephalosporin important है, same penicillin type में, means minimum 8 marks का chapter है इस weightage का. Weightage है इस chapter का, right? So first one, what is the structure of cephalothin? इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, जैसे कि स्टार्टिंग में हमने देखा है पेनिसिलिन में भी बीटा लैक्टम रिंग है. सो सेम बीटा लैक्टम रिंग ड्रॉ करना है एंड देन फर्स्ट R1 सब्स्टिट्यूएंट एंड R2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच करना है, फिनिश. ओके, सिंपल स्ट्रक्चर है, 4 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है. R1 R2 ग्रुप आपको सिर्फ अटैच करना है. सो दिस इज द R1 ग्रुप, R1 ग्रुप 5 मेंबर रिंग प्लस थाया ग्रुप. ओके, सो दिस इज द थायाजीन एंड CH2 या थायोफिन. ओके, सो CH2 सी डबल बॉन्ड ONH अमाइडो ग्रुप अटैच करना है एज अ R1. देन सेकेंड R2 ग्रुप, सो दिस इज द R2 ग्रुप, CH2 सी डबल बॉन्ड OOCH3 मीन्स एसिटेट ग्रुप अटैच करना है, एसिटिक एसिटेट, राइट. सो दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ सेफेलोथीन, क्लियर. सिंपल बीटा लैक्टम रिंग ड्रॉ करना है एंड R1 R2 ग्रुप अटैच करना है. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ सेफेलोथीन. प्रॉपर्टीज में क्या लिखना है, जो भी उसका कलर, ओडर, टेक्सचर है, सोल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी. ओके, उसका फिजिकल नेचर, फिजिकल प्रॉपर्टीज, राइट. सो फर्स्ट पॉइंट इज अ सेफेलोथीन इज अ ऑफिशियल एज अ सोडियम सॉल्ट, मीन सॉल्ट टाइप कंपाउंड है, विच ऑकर्स एज अ व्हाइट ओडरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर विथ अ बिटर टेस्ट. ओके, व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर है, नेचर क्रिस्टलाइन है विथ अ बिटर टेस्ट. ओके, देन सोल्युबिलिटी इज अ, इट इज सोल्युबल इन अ वॉटर एंड इनसोल्युबल इन अ क्लोरोफॉर्म, इथर एंड अल्कोहल. मीन्स वाटर में सोल्युबल है बट इनसोल्युबल इन अ अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. देन स्टोरेज कंडीशन, इट शुड बी स्टोर्ड इन अ एट अ टेम्परेचर नॉट एक्सेडिंग 25 डिग्री सेल्सियस इन अ एयर टाइट कंटेनर एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम द लाइट. ये टेम्परेचर का क्वेश्चन आपको MCQ में भी आ सकता है. ओके, सो वॉट इज द टेम्परेचर ऑफ सेफेलोथीन, stored at a temperature not exceeding 25 degree Celsius. Clear? Then it is, if it is intended for the parenteral administration, containers should be sterile. Obviously, जो भी parenteral administration है, parenteral administration means जो भी हम intravenous through जो भी dosage form देते हैं. Okay, so उसका container कैसा होना है? It should be sterile, means sterilization means free from microorganism. राइट, नंबर ऑफ मेथड्स आर अवेलेबल फॉर दी स्टेरिलाइजेशन. फिल्ट्रेशन मेथड है, ऑटोक्लेव है. ओके, जो भी हम लैब में यूज करते हैं. देन नेक्स्ट पॉइंट इज अ यूजेस ऑफ सेफेलोथीन. सो 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन हो सकता है, 4 यूजेस सफिशियंट है. सो सेफेलोथीन इज अ बैक्टेरियोसाइडल, बैक्टेरियोसाइडल, बैक्टेरियोस्टैटिक, डिफरेंस क्लियर है, राइट. बैक्टेरियोसाइडल मीन्स किल द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टेरियोस्टैटिक मीन्स इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ microorganism. Okay, so it is less active than a cephaloridine. What is the point? Cephalothin is a less active than cephaloridine against gram positive bacteria, jo bhi type of bacteria, gram positive, gram negative bacteria, clear. So it is a less active as compared to the cephaloridine. Then it is mainly used in a treatment of respiratory and urinary tract infection. All penicillin examples and cephalosporin examples are also used in a treatment of respiratory and urinary tract infection. Okay, then next point is a official preparation, cephalothin Indian plus British pharmacopoeia, sorry, only Indian pharmacopoeia formulated hai, clear. So important drug hai, aapko uses ya structure pe hi 4 marks ke liye question aata hai degree plus diploma mein. नेक्स्ट लेक्चर में हम अमीनोग्लाइकोसाइड्स नेक्स्ट एंटीबायोटिक स्टार्ट करेंगे. ओके, सो इस वीडियो में बस इतना ही. थैंक यू.